ओके सो हे गाइस बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस किस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है अब यहाँ पे, अब गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल का जो पीएनजी हमने यहाँ पे पहले से इसका बैकग्राउंड वगैरह रेस कर रखा है, तो आप लोगों को अगर बैकग्राउंड रेस करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आप दो तीन वीडियो की लिंक है वहाँ पे, आप देख लेना आपको इजीली समझ आ जाएगा आपको बैकग्राउंड को कैसे रेस करना है। बाकी गाइस आपको यहाँ पे फिर अपने मॉडल को इंसर्ट करना है एंड उसके बाद जो है मॉडल में मैंने शेडो पहले से क्रिएट कर रखी है, एंड अगर जिनको शेडो बनाना भी नहीं आता है रियलिस्टिक टाइप की तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें अच्छे से मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो वो वीडियो भी देख लेना। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना है एक मून का पीएनजी, ठीक है। ये हार्ट मून है जो गाइस आपको यहाँ पे इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस आपको करना, आपको उसको सिंपली ऐसे जूम करना है एंड उसके बाद अपना हैंड के पास कुछ इस टाइप से ले जाना है, एंड हैंड के पास कुछ इस टाइप से रखना है जैसे कि मतलब आपको उसका हैंड में पकड़ रखा है, एंड हैंड में पकड़ रखा है उसको दिखाने के लिए आपको इरेजर टूल में जाके आपको जो है कुछ पार्ट्स इरेज करने पड़ेंगे। तो इरेज करने से पहले आपको यहाँ पे ओपेसिटी कम करके चेक करना है कि आपका जो हर्ट है ये मून हर्ट ये आपके हैंड में अच्छे से फिक्स हुआ है कि नहीं। उसके बाद इरेजर टूल में जाकर हार्डनेस को फुल करके एंड साइज को छोटा करके आपको फोटो को जूम करके वहाँ से आपको फिंगर्स के पास से इरेज करना है आराम आराम से, ठीक है। तो फटाफट करते हैं हम इस चीज़ को। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने जो इतना काम है कर लिया था, इसको ओपेसिटी फुल करते हैं एंड उसके बाद हम इसको डन कर देते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद जो आप लोगों को क्या करना है, पहले हम यहाँ से ऐड फोटो में चलते हैं, ठीक है। ऐड फोटो में चलते हैं एंड यहाँ से ऐड करते हैं हम एक पीएनजी, ठीक है, लाइट का। एंड इसको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसका जो है मतलब पहले साइज इंक्रीज करके आपको हट के पास रखना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से सिंपली जाना ब्लेंडिंग मोड में, स्क्रीन कर देना गाइस, चाहो तो लाइटन भी रख सकते हो, ठीक है, ऐड भी कर सकते हो, ऐड करके आप इसमें ओपेसिटी कम कर लेना। बाकी स्क्रीन में ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी ओपेसिटी वगैरह कम करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको ऐड कर लेना स्क्रीन कर लेना, ठीक है। अब इसको हम सेव यहाँ पे ऐड फोटो में जाके एक पीएनजी और ऐड करते हैं, फिर उसके बाद फोटो को सेव करेंगे। तो अब इसको हम सेव कर इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन करना है इस पीएनजी को लेकर एंड इसको डन कर देना है। देन आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव करना है एंड इसको लेके चलना लाइटरूम ऐप में, क्योंकि इसे रिटच करके इसको हम एकदम बूम फोटो बना देंगे, ठीक है। तो अभी हम सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं लाइटरूम ऐप में। तो गाइस हमने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिया एंड हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा था इसमें, तो अब चलते हैं हम लाइट में। लाइट में जाने के बाद जो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट जो है इसको कम करेंगे एंड जो शेडो है इसको इंक्रीज करेंगे, एंड जो व्हाइट है यहाँ पे इसको हम कम करेंगे, ब्लैक का जो इसको इंक्रीज करेंगे। फिर कलर्स में जाएंगे, वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देंगे ताकि फोटो में जो हल्की सी ब्लू टोन आ जाए और फोटो हमारी झक्कास लगे, ठीक है। फिर उसके बाद जाएंगे हम कलर मिक्स में। कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन हल्का सा माइनस करेंगे, ल्यूमिनस बढ़ा देंगे ताकि फोटो में थोड़ी ब्राइटनेस आ जाए। उसके बाद जो आपको क्या करना है, येलो कलर लेना, इसका ह्यू माइनस कर देना, सैचुरेशन चाहो तो प्लस कर देना, ठीक है, आपकी मर्जी अगर चाहो तो, क्योंकि इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। बाकी यार मेरे को लगता है ह्यू को हम इधर प्लस में ही कर लेते हैं क्योंकि यार थोड़ा सा ना जो एजेस हैं वो बन रहे हैं। तो आप ग्रीन कलर में जाएंगे, इसका सैचुरेशन माइनस करेंगे, डार्क ब्लू का कलर लेंगे। अगर ब्लू कलर आपको अपनी फोटो में नहीं चाहिए होगा तो सैचुरेशन आप माइनस कर सकते हो, अदरवाइज बढ़ते हैं अगले टूल पे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लियरिटी इंक्रीज करनी है एंड उसके बाद आपको फोटो में डालना है विग्नेट, ठीक है, विग्नेट जरूर डालना है, फोटो एकदम बूम लगेगी उससे। फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है एंड जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है ताकि फोटो जो HD क्वालिटी में हो जाए, नॉइज रिडक्शन बढ़ा देना ताकि फोटो में कोई भी नॉइज ना बचे, कलर नोटेशन भी बढ़ा देना ताकि कलर का कोई नॉइज ना रह जाए। बाकी गाइस हमारी फोटो पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइस आशा करता हूं आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक लिए।